सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में। इस पूरे महीने हम संतुष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना है। बिल्कुल रिबेका, ये तो बहुत अहम बात है और मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों ने अब तक काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, क्योंकि ज़िंदगी के हर पहलू में हमने इस बात की चर्चा करी कि कैसे हमें संतुष्ट रहना है। अगर नहीं है तो हमने रास्ते भी दिखाए और लोगों के जीवन से भी बताया कि कैसे वो संतुष्ट बने प्रभु यीशु मसीह में। और खास आज हम बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे हमारे दर्शकों के लिए, खास उन लोगों के लिए जो शायद कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, जो न्याय चाहते हैं पर न्याय उन्हें मिला नहीं है, और इस वजह से इन कोर्ट केसेस की वजह से उनके जीवन से सुख, शांति, चैन सब दूर हो गया है, इसलिए शायद आप संतुष्ट नहीं महसूस कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम खास प्रोग्राम में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल सही कहा रिबेका कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है जब कोई कोर्ट केस में होता है, मतलब रातों की नींद चली जाती है, दिन का चैन खत्म हो जाता है और बड़ा पैसा भी बर्बाद होता है और आदमी की हेल्थ भी खराब हो जाती है और कईयों को तो न्याय मिले नहीं, वैसे ही वो दुनिया से कूच कर गए। वैसे बहुत ही पूरे परिवार पे बड़ा असर पड़ता है इसका। लेकिन परमेश्वर के वचन में सब उपदेशक उसके 3:17 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो न्याय करेगा, उसने एक सही समय नियुक्त किया है न्याय करने का, और वो कहता है कि इंसान जो कुछ भी करता है ना, उसका भी एक समय है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। जो बुराई करते हैं, जो अच्छाई करते हैं, उन सब का सही समय पर परमेश्वर न्याय करेगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक कोर्ट है स्वर्ग में जिसमें कौन न्यायाधीश है, परमेश्वर, और वो सब कुछ देख रहा है और वो एक धर्मी न्यायी है। And he is a righteous judge. और वो सचमुच मेरे अजीजों, मेरे प्यारे दर्शकों, वो अगर आप भी इन चीजों से जूझ रहे हैं, परमेश्वर न्याय करेगा और आपके फेवर में होगा अगर आप उसके साथ सही चल रहे हैं। ठीक, बिल्कुल दोस्तों, और इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रमेश मीना से। इनके जीवन में संतुष्टि नहीं थी, ये बहुत जमीन पाना चाहते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि बहुत जमीन पाकर के इन्हें सम्मान मिलेगा अपने गाँव में, बहुत पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन एक समय आया जब इन्हें संतुष्टि मिली। किसने इन्हें संतुष्टि दी, कैसे इन्हें ये संतुष्टि मिली, आइए हम इन्हीं से मिलकर के जानें। रमेश मीणा के पिता किसान थे, इस वजह से उनके परिवार में पैसों की कमी रहती थी। इस कारण रमेश की ये सोच बन गई कि कामयाब बनने के लिए पैसा जरूरी है। मेरे मन में ये विचार था कि एक व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनना है तो उसको धन उसके पास होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, या अच्छे इनकम सोर्स होना चाहिए। तो वो इनकम सोर्स मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैं जो है मेरे दोस्तों के साथ जो इलीगल है या बिजनेस कहो वो काम करना शुरू किया था। लेकिन उन दोस्तों ने मेरे साथ चीटिंग किया और मुझे मालूम चला कि इसका जो इनकम जितनी है उसमें से मुझे वो कुछ ही भाग देते हैं, बाकी ज़्यादा भाग वो रखते हैं, लेकिन उससे बिजनेस का सारा रिस्क जो था, जिम्मेवारी थी, वो मैं लेता था। तो मैं बहुत ही निराश हो गया। पैसे कम मिलने के कारण रमेश न तो अपने घरवाल की मदद कर पा रहे थे और न ही जो उन्होंने सोचा वो। इस दौरान रमेश की अपने एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई जो छुट्टियों में घर आया था। उसने रमेश को यीशु मसीह के बारे में बताया। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसने प्रार्थना करना शुरू किया, और जैसे जैसे वो प्रार्थना कर रहा था तो मैं ऐसे महसूस कर रहा था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और बिल्कुल मैं खो चुका था। तो ऐसे मेरी जिंदगी चलती रही, लेकिन मैंने जो बुराई थी वो नहीं छोड़ी। फिर से रमेश आपराधिक कामों में शामिल हो गए। इस दलदल में फंसने के कारण वो अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुके थे। उन्होंने खुद को खत्म करना चाहा, पर उसी वक्त उन्हें अपने दोस्त की बात याद आने लगी। प्रभु से मैंने कहा था, प्रभु यदि तू सच्चा है तो आज मुझे अपनी शांति दे, आज मुझे बचा ले। और मैंने प्रभु को जान कर भी जो गलतियां की थी या उससे पहले गलतियां की थी उसके प्रति बहुत पछतावा हुआ, और उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि प्रभु मैं आगे ऐसा काम, ऐसा सोच कभी नहीं करूँगा जो
तेरे विरुद्ध में है। मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि मैं उसी प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ कि जिस प्रभु ने मुझे बचाया है। और उस दिन के बाद मैं प्रभु की सेवा के लिए निकल गया और मैं फिर जयपुर में बाइबल स्टडी के लिए आ गया। इस बीच रमेश को अपने परिवार से कई रुकावटों का सामना भी करना पड़ा। तो उन्होंने जब जाना तो उन्होंने मुझसे कहा कि रमेश तू एक काम कर, मैं तुझे एक अच्छा बिजनेस करने के लिए पूरा अमाउंट पैसा जो है मैं खर्च करूंगा, तू वापस मुझे मत देना। तो मैंने चाचा को बोला, चाचा मेरे से ये नहीं हो सकता है कि मैं आपकी बात मान करके मैं बिजनेस करूं या नौकरी करूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे जान दी है, मुझे बचाया है, उसको उसकी सेवा को छोड़कर मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद जो है प्रभु ने मेरे लिए सब रास्ते खोले। तो मुझे ये आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, जो मेरा जो पहले का विचार था कि धनी होने से सब कुछ इंसान अच्छा होता ये नहीं है, लेकिन जिस दिन से परमेश्वर मेरे जीवन में आया, मेरे परिवार में आया, खास करके मेरे व्यक्तिगत जीवन में आया, और मैंने ऐसे अवस्था से प्रभु की सेवा शुरू की जो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दया से आज मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास होनी चाहिए हैं। आज पास्टर रमेश परमेश्वर का हर आशीष के लिए हर समय परिवार सहित धन्यवाद करते हैं। देखा दर्शकों, कमाल के गजब की कहानी थी ये कि कैसे रमेश, मैं हरा हूं, 10th स्टैंडर्ड से चोरी कर रहा है, फिर स्मगलिंग में चला गया वो, और ये लालच और पाने की कभी वो संतुष्ट नहीं था, पर रुपया पैसा धन दौलत वो संतुष्टि नहीं ला पाया उसकी जिंदगी पर। अब देखिए प्रभु की सेवा कर रहा है एक गांव में, एक पासवान है जयपुर में जी। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या तब्दीली, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया उसकी लाइफ में। बिल्कुल दोस्तों, यही ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर भी आज आपके जीवन में लाना चाहता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दे, उन्हें अपने जीवन में कार्य करने दे। दर्शकों, एक बेवा थी, विडो, क्या था, कोई उसको परेशान कर रहा था और उसका जो एडवर्सरी था उसको नाक में दम कर दिया था, और वहाँ पे उस शहर में एक ऐसा जज था, न्यायाधीश था, जो खुदा को बिल्कुल समझता नहीं था, ना उसमें कोई परमेश्वर का भय था उसके जीवन में, ना लोगों की मदद करता था। और ये जो बेवा औरत थी, ये जो आंटी थी, वो जाती थी उनके पास, अरे सुबह से लेके शाम तक घड़ी घड़ी उसके पास जाके अपनी इल्तजा, अपनी रिक्वेस्ट और अपना केस उसके सामने लाती रहती थी। और वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, और या मतलब गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर सीजन में वो पहुंच जाती थी। वो चाहती थी कि किसी तरह उसको न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए। शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो जो आपकी भी मन की दिली तमन्ना हो, अरे यार मुझे भी न्याय मिल जाए किसी तरह, अरे ये केस खत्म हो जाए किसी तरह, ओ खुदा कुछ करो मेरे लिए। और आप कहोगे शायद मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, पर इस बेवा से सीखें, इस विडो से सीखें कि वो जो जज था वो इतना परेशान हुआ कि यार ऐसा करता हूँ, इसकी मैं मदद कर ही देता हूँ, और उसने उसका केस सॉल्व करा और उसके हक में शायद वो डिसीजन गया है, वर्डिक्ट गया। और वो लेडी, उसने कहा कि ये बार बार मुझे आके परेशान करती रहती है, चलो इसकी मैं मदद कर देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक दुनियावी इंसान जो खुदा का भय नहीं रखता, जब वो ये कर सकता है, अगर आप बार बार उसके पास जाओ, तो क्या आपका स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो सच्चा जज है, जो राइचस जज है, क्या वो आपकी इल्तजा और आपकी रिक्वेस्ट को नहीं मानेगा? मेरे अजीजों, मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, उकसाना चाहता हूँ और आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहता हूँ कि डो नॉट फेंट वाइल प्रेइंग। आप कमज़ोर ना पड़ जाएं, थक ना जाओ दुआ करते हुए। याद रखें, उसके कोर्ट्स में देर है पर अंधेर नहीं है, परमेश्वर का समय आएगा और आपको वो डिसीजन, वो वर्डिक्ट, वो जजमेंट मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो जानता है आपके दिल में क्या है। इसलिए डू नॉट स्टॉप प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, और परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देगा, क्योंकि वो सच्चा
और धर्मी राइचस जज है और वो हमारे लिए बहुत बहुत प्यार से वेट करता है कि कब हम उसके कोर्ट्स में आए, कब हम आए उसके कचहरी में, उसकी दया की कचहरी में, और वो हमारी सुनवाई सुने और हमें हर एक प्रॉब्लम से निकाल दे। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला थिसलोनिको 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे अजीजों, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा परमेश्वर का वचन है। वो कहता है निरंतर, 1-2-3 दिन नहीं, 1-2 मिनट नहीं, निरंतर बी इन एन एटीट्यूड ऑफ प्रेयर। याद रखें, परमेश्वर सुनना चाहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं उनसे। बहुत बिजी है ना आप, प्लीज थोड़ा टाइम निकालें, निरंतर प्रार्थना करें, देखिए कैसी चीजें बदलेंगी आपके जीवन में फिर। जी, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है दोस्तों, और प्रार्थना में अगर आप सहायता चाहते हैं तो हमारी CBN प्रेयर लाइन पर आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप से हमें मैसेज भेजें, वो भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस का। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ मिलेंगे और उनके साथ हम कोर्ट केसेस के लिए प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए, आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास आप सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि जो कोई भी है जो शायद कोर्ट केसेस से या न्याय के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो आप परमेश्वर से न्याय पा सके। दर्शकों, अब समय है प्रार्थना का। आइए निवेदिता और ग्लोशिया के साथ हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जिनके कोर्ट केसेस में उनको बहुत परेशानी है, और आइए हम प्रार्थना करें उन सब लोगों के लिए। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। हेलो एवरीबॉडी, इस महीने हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दूसरों की चीजों का लालच ना करें, दूसरे का घर, रिश्ते, जमीन जायदाद या उनके जॉब्स, और हम अपने जीवन में संतुष्ट रहें। जब हम अपने जीवन, अपने घर, अपनी जमीन से संतुष्ट होंगे तो हम शांति से अपने जीवन जी सकते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके ऊपर कोर्ट केस है, जो कोर्ट केस में उलझे हैं, स्पेशली ओवर लैंड डिस्प्यूट। आइए इसी के साथ हम अपने कॉलर से बात करते हैं। आइए हम अपने दूसरे कॉलर का कॉल लेते हैं। मैंने किसी व्यक्ति से ज्यादा मतलब पेमेंट उठाया था, तो वो पेमेंट मैं समय पे दे उनको रिटर्न नहीं कर पाया हूँ। तो मुझे अपने लिए प्रार्थना करवानी है कि मेरा अभी चेक बाउंस के मामले में आज पेशी है, मेरे खिलाफ चेक बाउंस का मामला चल रहा है, तो उसमें मेरे खिलाफ पेशी है आज, तो मैं उस तारीख से जा रहा हूँ, तो तारीख से अच्छे से चला जाऊँ और अच्छे से वापिस आ जाऊँ। जी हाँ भाई, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस भाई के निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके साथ रहें जब वो इस केस के लिए जाते हैं, आप उनके बैटल को फाइट करें। पिता परमेश्वर, एक्सोडस 14:14 के तहत आपने कहा है कि आई विल फाइट योर बैटल, यू जस्ट नीड टू बी स्टिल। हम उस वचन को भाई के जीवन में बोलते हैं कि आप उनके साथ बने रहेंगे इस केस में। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई, आप भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके साथ हैं और वो आपकी लड़ाई में आपके साथ देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है डू नॉट बी डिस्करेज्ड, हैव करेज बिकॉज आई एम विथ यू। तो भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मैं वसई से रेखा बोल रही हूँ। मेरा एक दोस्त है, उनका नाम अली हुसैन है। उनके ऊपर मैं अभी केस चालू है,
और उनके ऊपर ये केस उनके ससुर ने किया है झूठे आरोप लगा के। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना करें कि इस केस के झमेले से प्रभु उनको बाहर निकालो। आइए सिस्टर हम आपके प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इन सिस्टर ने विश्वास दिखाया है कि ये अपने दोस्त के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं। उन दोस्त के ऊपर पिता परमेश्वर कोई गलत केस किया गया है, पिता परमेश्वर उनके केस को, उनके लाइफ को, उनके सिचुएशन को आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर होने पाए कि इस सिचुएशन में भी वो आप पर भरोसा रखें और आप उनको रास्ता दिखाएं। इस संकट के समय में हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, उनको अपना स्ट्रेंथ दीजिए, अपना विजडम दीजिए पिता परमेश्वर, कि वो इस कोर्ट केस से बाहर आ पाएं। ये समस्या पिता परमेश्वर बहुत मुश्किल समय है उनके लिए। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप उनके साथ हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। पिता परमेश्वर होने पाए कि वो इससे छुटकारा पाएं और एक आराम का जीवन, एक कंटेंटफुल लाइफ जी पाएं। पिता परमेश्वर मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपके फेथ के द्वारा हम आशा करते हैं कि आपके दोस्त को इस केस से आजादी मिलेगी, निजात मिलेगी। आइए हम अपने दूसरे कॉलर का कॉल लेते हैं। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे मेरी मम्मी के घर पे छोड़ दिया है, तो मैं कभी भी नहीं आऊंगी तेरे पास ये बोलकर, मैं तुझसे डिवोर्स लूंगी ये बोलकर कभी भी नहीं आऊंगी कहते है, तो मैं क्या करूं? मैं बहुत घबराहट हूँ, मैं प्रे करने के लिए फोन करा, मैं टीवी में देखा कर नंबर नोट कर लिया। जी बहन रिति, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने टीवी में नंबर देखकर हमें कॉल किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपकी इस मुश्किल घड़ी में आपने हमें याद किया और हम आपके साथ जुड़कर आपकी इस परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, बहन रिति को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। वो बहुत ही बोझ से पीड़ित फील कर रही है, वो बहुत अकेला महसूस कर रही होंगी। हम इस सिचुएशन को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम ये विश्वास रखते हैं कि जब हम एक साथ मिलकर आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम ये विश्वास रख रहे हैं कि वो भले ही दूर हो, एक फ़ोन के ज़रिए वो आप तक पहुंचना चाह रही हैं, आप उनकी परिस्थिति को जानते हैं। इसी विश्वास के साथ हम एडवांस में आपका धन्यवाद देते हैं कि आप इनके रिश्ते में कार्य कर रहे हैं और इस केस में आप कार्य कर रहे हैं और इस रिश्ते को आप रिस्टोर करेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस साल के अंत में हम अपनी आंखें चमक धमक की ओर से फेरें और उस क्राउन की तरफ देखें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जब हमारे इस जीवन की दौड़ खत्म होगी और हम उसके दाहिने ओर पर होंगे। Fix your eyes on the crown he has promised and run with perseverance the race marked out for you. आज ही अपने केसेस को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और झगड़ों से दूर हों। इसी के साथ अब हम चलते हैं, पर आप हमें ज़रूर कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के जरिए हमें अपने रिक्वेस्ट भेजिए। हमारा नंबर है 9910401010। Till then, bye and take care. Bye. कितना अच्छा लगा प्रार्थना करके। परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना के लिए सहायता चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी सीबीएन प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके साथ मिलकर आपके मैटर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। और दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भाषा में, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, योर ओन मदर टंग, हम उसमें प्रार्थना करें, आप प्लीज़ हमें बताइएगा, ताकि हम चाहेंगे कि आपकी भाषा में हम प्रार्थना करें आपके साथ। जी दोस्तों, और अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और आज शुक्रवार है इसलिए ब्रेक के बाद शुक्रिया शुक्रवार में हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से संतुष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि अगर हम में से कोई भी कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे ताकि हमें न्याय मिल सके। और दोस्तों, अब समय है कि हम आगे बढ़े। समय है शुक्रिया शुक्रवार का। पहला मैसेज पास्टर फिलिप नंद की तरफ से है, जो हमें व्हाट्सएप से मिला है, और वो यूं कहते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम एक नई जिंदगी जो कलर्स टीवी पे आता है रोज देखता हूं और बहुत आशीषें प्राप्त करता हूं, और साथ ही साथ मैं दूसरे लोगों को भी बताता हूं कि वो एक नई जिंदगी का कार्यक्रम देखें ताकि वो भी मेरे जैसे आशीषों को पाए। थैंक यू फिलिप जी। आइए दोस्तों पढ़े एक और मैसेज जो हमें भेजा है कल्पना ने व्हाट्सएप से, और ये कह रही हैं, मुझे एक नई जिंदगी कार्यक्रम देखना बहुत पसंद है और आपका चिल्ड्रंस डे एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया। आपके प्रोग्राम को देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू कल्पना जी फॉर दिस मैसेज। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब हमें सराहते हैं, इंकरेज करते हैं। और दर्शकों, अगर आप में से भी कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने प्रार्थनाओं का जवाब पाया है, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम अपने और दर्शकों को इंकरेज कर सकें। बिल्कुल सही रेबेका, और अब समय है कि हम प्रार्थना करें अपने दर्शकों के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो डिफिकल्टीज में हैं और शायद कोर्ट केसेस में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए दर्शकों हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा खुदा, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं, सरनगू होते हैं, और प्रभु जी हम अपने सब दर्शकों को आपके सामने लाते हैं जो रोज़ एक नई जिंदगी को देखते हैं, और ख़ास तौर से प्रभु जी वो हमारे जो भाई बहन हैं प्रभु जी, जो किसी कोर्ट केस में या किसी परेशानी में या किसी चैलेंज में हैं या किसी दुविधा में हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं, प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि जब मैं प्रभु की ओर पुकारता हूँ तो वो मेरी सुनता है और मुझे सब परेशानी से निकाल के लाता है। तो प्रभु जी हम और किसके पास जाएँ, हम सिर्फ़ आप ही के पास तो आएँगे, क्योंकि आप ही हमारे स्वर्गीय पिता और आप ही हमारे मददगार हैं। जब हमारा कोई मदद नहीं है, आप ही हमारे मददगार हैं। तो मेरे पिता और मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं इन सब भाई बहनों के लिए जो देख रहे हैं, कि आप उनकी मदद करें कि कोर्ट केसेस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसमें से निकाल के लाइए ताकि वो एक जीवंत जीवन जी सके और ये सब परेशानी टेंशन दूर हो और वो आपकी स्तुति करें और आपकी बढ़ाई करें। प्रभु जी ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु से परमेश्वर से दुआ करते रहो और उसकी आराधना करते रहो, और देखिए प्रभु क्या क्या बड़े काम आपके जीवन में करेगा। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। आइए अब समय है कि हम देखें कि परमेश्वर के पास आने का एकमात्र रास्ता कौन है। इस वचन के द्वारा हमने जाना दोस्तों कि परमेश्वर के पास आने का एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उनसे आप अपने पापों की माफ़ी पाएं, उनसे आप जीवन पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, इन सब को आप अपने जीवन से दूर जाता देखेंगे और इन प्रॉब्लम्स के बीच में भी आप एक संतुष्टि भरा जीवन जी पाएंगे। बिल्कुल सही कहा रेबेका, संतुष्टि भरा जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग सच्चाई और जीवन है, उसको अपने जीवन में अपनाने से ही आपको वो सच्ची संतुष्टि शांति खुशी मिल सकती है। और वही तो रमेश को मिली है ना, जैसे हमने देखा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आया उसकी लाइफ में, आपके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है 100%। और हमने ये भी देखा कि प्रार्थना करने कभी बंद मत करना, उस विडो की तरह, उस बेवा की तरह। याद रखें, जब ये दुनिया भी जज दे सकता है कुछ, उसको वो स्वर्गीय पिता जो धर्मी जज है, द राइचियस जज, वो कितनी चीज़ें आपके लिए करेगा अगर आप उसके कोर्ट्स में उसके पास आएंगे और उसके न्याय के सिंहासन पे सरनगू होंगे, वो कितना कुछ करेगा आपके लिए।
और दोस्तों सोमवार से हम शुरू कर रहे हैं हमारे क्रिसमस स्पेशल वीक एपिसोड्स, तो आप इन्हें मिस मत करिएगा। इन एपिसोड्स में आप ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस के बारे में जान पाएंगे, साथ ही क्रिसमस कैरल्स और अलग अलग डिलिशियस डिशेस के बारे में आप जान पाएंगे, और सच्ची गवाहियों के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के और करीब आ पाएंगे। सो डोंट मिस दिस एपिसोड्स, और इनके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, और हमारे साथ ज़रूर जुड़े कलर्स टीवी पर रोज़ सुबह 6:30 बजे। और चलते चलते एक मधुर गीत हो जाए जी, दर्शकों इस खूबसूरत गीत को सुनिए और हम अलविदा कहते हैं। हम जरूर फिर से मिलेंगे आपसे। गॉड ब्लेस यू। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह।